अस्सलाम वालेकुम, मैं बना रहा हूँ बेसिक स्पंज, वनीला बेसिक स्पंज, 2 एग का, 1 पाउंड का, 1 पाउंड का केक 2 एग से बनता है, ये स्पंज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसका मेथड मैं चेंज कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारे लोग जो है वो इस मेथड से बनाते हैं, परफेक्ट बनता है, फ्लफी होता है, लेकिन जब ओवन में जाता है तो वो बैठ जाता है। उसकी वजह क्या होती है वो भी आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा। 2 एग लिए मैंने, इनको सेपरेट किया है, एग व्हाइट अलग, एग योक अलग, 50 ग्राम शुगर लिए, 50 ग्राम मैंने मैदा लिया है। 1 एग का हिसाब होता है कि जब भी आप स्पंज बनाए, 1 एग में 25 ग्राम शुगर, 25 ग्राम मैदा होगा। इसी तरीके से जिस तरीके से आप एग बढ़ाते रहेंगे तो 1 एग पे 25 ग्राम जो है आप बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसको क्या होता है, मैंने इसमें बेकिंग पाउडर जो है वो यूज नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है कि एग व्हाइट को जब हम बीट करेंगे शुगर के साथ तो ये राइज होने का काम करेगा। आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मार्बल केक में मैंने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा यूज नहीं किया, उसमें मैंने एग व्हाइट शुगर के साथ बीट करके वो मैंने ऐड की थी, उसी से ही वो राइज हो गया। तो इसमें कभी भी ऐसा आप लोग बनाते हैं तो उसमें इस तरीके से सेपरेट इस मेथड से बनाते हैं तो कभी भी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा इसमें कभी भी यूज नहीं कीजिएगा। उससे क्या है, आपका स्पंज परफेक्ट बनने की बजाय खराब हो जाएगा, या बैठ जाएगा, या फिर इतना फूल जाएगा कि अंदर से हॉल जो होंगे वो फिर जब उसको सॉक करेंगे तो वो बिल्कुल जो है ना, सॉक कम भी करेंगे ना तो बिल्कुल वो पानी पानी हो जाएगा। ठीक है जी, तो आए सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एग व्हाइट थोड़ी सी बीट करके फुल स्पीड में बीट कर रहा हूँ। इसमें थोड़ी थोड़ी करके मैंने शुगर ऐड करनी है। चलिए जी, ये हो गया हमारा, रेडी हो गया। अब क्या करूंगा मैं, इसमें मैदा फोल्ड करूंगा, मैदा फोल्ड कर दूंगा हल्के हाथ से, थोड़ा थोड़ा मिक्स करता रहूंगा और इसको डालता रहूंगा इस तरीके से। 50 ग्राम मैदा, अच्छा इसमें मैंने जो मोल्ड लिया है वो 6x6 का है, आप 6x6 और 7x7 दोनों में आप इसको बेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अब इसमें बेकिंग पाउडर, जैसे पहले बताया इसमें बेकिंग पाउडर मैंने यूज नहीं किया, ये खुद ही इंशाल्लाह राइस हो जाएगा ये। अब आप लोग जब भी बनाए इस तरीके से, अच्छा ओवन जो है वो मेरा पहले से प्री हीट हो चुका है। ठीक है, और इसको हल्के हाथ से जो है फोल्ड किया करें हमेशा, ताकि हल्के हाथ से करेंगे तो ये आपका जो जितना भी फ्लफी हुआ है ना ये बैठेगा नहीं। आप लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कभी कभार ऐसा तो बहुत ज्यादा फोल्ड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो आपका जितना भी फ्लफी हुआ होता है वो बैठ जाता है। ठीक है, और जब भी बेक करें ओवन को पहले से प्री हीट कर ले, आपका ओवन पहले से प्री हीट होना चाहिए। 180 पे मैं इसको बेक करूंगा और 180 उसकी हीट हो चुकी है। उसके बाद जब आपकी हीट पूरी हो चुकी है, हो जाए 180 पे अगर आपने बेक करना है तो 180 आपकी पूरी हो जानी चाहिए, उसके बाद फिर आप बेक करें। पहले से अगर आप बेक करेंगे तो फिर क्या होगा कि ऊपर से वो बिल्कुल जो है ना ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, एक पापड़ी सी आ जाएगी इसके ऊपर। स्पंज जो है वो रेडी हो गया, अब ये ठंडा होगा तो मैं इसको प्लेट कर फिर मैं आपको इसकी कटिंग भी करके बताऊँ। अब देखिए, मैं इसकी कटिंग करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये कितना परफेक्ट बना है। आप नेक्स्ट टाइम जो है ना आप इसी तरीके से बनाइएगा और बिल्कुल ये सेम वैसे ही बनेगा जैसे प्रोफेशनल लेवल पे बनता है। और देखिए, मैंने जो कटिंग की है, मैंने नाइफ को चला के, कटर नाइफ कहलाती है ये, ठीक है, इसको चला के, इससे अगर फ्रेश भी होगा ना स्पंज आपका तो ये आपका जो ना क्रम इतने ज्यादा नहीं निकलेंगे। और इसी तरीके से बनाइएगा, ये देखिए सॉफ्ट भी है, ठीक है, और मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा जब भी बनाए। और इसके अलावा कोई भी, अगर आप लोगों को कोई भी इसमें कुछ ऐसा लगे कि जो आप लोगों की समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछें, मैसेज करें, कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अल्लाह हाफिज़।